सिंधु नगरी महोत्सव में दुल्हन की तरह सजेगा बल्केश्वर घाट। राष्ट्रीय सिंधी महासंघ द्वारा झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में किया जाएगा आयोजन। वाटर वर्क से बल्केश्वर घाट तक बनेंगे तरुण द्वार। झूलेलाल साईं की सैकड़ों ज्योतियों का यमुना मैया में पल्लव के साथ विधि विधान से होगा विसर्जन आगरा। मेरा नाम जितेंद्र लुकानी है, परिचय प्रभु के सेवक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में सभी जानते हैं। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी का अवतरण दिवस जो है वो 2 अप्रैल को है, जो नव संवत्सर भी होता है, नवरात्र भी स्टार्ट होते हैं। वो बहुत ही पवित्र दिन है हमें हिंदू समाज के लिए, सिंधी समाज के लिए। इस पर्व को बड़े है इसमें हम लोग आयोजन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो क्योंकि भगवान इष्टदेव झूलेलाल भगवान जो वरुण के अवतार हैं उनको जल के देवता हैं। इस दिन जो है हमें राष्ट्रीय सिंधी महासंघ हर साल की तरह दशकों से ये सिंधु नगरी का आयोजन करता आ रहा है, और बल्केश्वर घाट ना रह के एक सिंधु नगरी के रूप में तब्दील होती है। और इस दिन सभी धर्म के लोग देखते हैं कि वे आखिर ये आकर्षक नज़ारा क्या है। सतरंगी शाम का आयोजन होता है, और सबसे बड़ी आगरा की जो हमारी विभूतियां हैं जिनको हम सम्मान देने का काम करते हैं, इस झूलेलाल जयंती की जितनी भी पावन पवित्र ज्योति हैं उनकी हम लोग आज से ही तैयारी में लगे। घाट की सफाइयाँ भी होंगी, पानी का अभाव भी होगा, नाव को भी रखा जाएगा, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसमें हजारों की हजार तादाद में सैलाब उमड़ता है। वास्तव में ये दृश्य जब रात का अलौकिक दृश्य होता है, इस दृश्य को कोई खोना नहीं चाहता है, सर समाज इसमें भाग लेता है। जय श्री।